बहुत ज्यादा कॉजेज होते हैं। हम लोग फीमेल्स पे ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, पर ऐसा नहीं है। मेल्स को भी अपना सारा चेकअप कराना चाहिए। अगर उनका स्पर्म काउंट ठीक नहीं है, स्पर्म काउंट ठीक है तो मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है, या स्पर्म में कोई डीएनए अबनॉर्मलिटीज है, ये सब उनको देखना। Hello everyone, this is Vidushi and you are watching The Good Health Show. And today we are going to talk about a very sensitive topic, infertility. And for that, we have Dr. Shalini with us. Hello ma'am, how are you? Hello. मैम, इनफर्टिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं, और आज हम इसी बारे में अवेयर करेंगे हमारे ऑडियंस को, और साथ ही ये जानेंगे कि इनफर्टिलिटी होता क्या है और इसके कॉजेज क्या है। सो मैम प्लीज अगर। सो इनफर्टिलिटी इज इनएबिलिटी टू कंसीव, कि दो हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चा चाह रहे हैं, घर वाले बच्चा चाह रहे हैं, पर बच्चा नहीं हो पा रहा है। सो दैट इज इनएबिलिटी टू कंसीव। दूसरा क्वेश्चन आता है, आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? शादी हो गई, या शादी एक साल हो गया, दो साल हो गया, या पांच साल बाद आप प्लान कर रहे हैं, तो आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? सो व्हेन अ कपल इज हैविंग अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर, या वो ट्राई कर रहे हैं एक साल तक बच्चा होने के और वो बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एंड मैम, अगर बात करें कॉसेस की इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, तो वो क्या क्या होंगे? देखिए, इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा ऑन द राइज है, ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, तो वन बाय वन उनको इलैबोरेट करते हैं, ठीक है। सबसे व्हाट इज इनफर्टिलिटी, इट इज फेलियर टू ओव्यूलेट, या तो लेडी ओव्यूलेशन नहीं हो पा रही है, उनका अंडा नहीं बन पा रहा है, तो कंसीव नहीं कर पाएंगे, या फिर उनको सर्टेन इन्फेक्शंस है या पीआईडी है, तो भी उनके चांसेस कम हो जाते हैं। फिर आजकल आप देखेंगे यंग वुमेन में पीसीओएस बहुत ज्यादा देखने को, which is polycystic ovarian syndrome. इसमें क्या होता है, menstrual disturbances है, overweight body है, अंडा नहीं बन पा रहा है, so all these are factors. फिर आपके हो गया tubal blockage, अगर किसी lady के tubes बंद है, so that is another reason. फिर आजकल आप dietary modifications देखेंगे, lifestyle disorders देखेंगे, alcohol बहुत पी रहा है young crowd, स्मोकिंग बहुत हो रही है, ठीक है, डाइट ठीक नहीं है, कभी खा लिया कभी नहीं खाया, जो मिला वो खा लिया, दैट इज वेरी रॉन्ग। फिर आपका स्ट्रेस, आपका एवरीवन इज रनिंग अराउंड, ठीक है, किसी को वर्क प्रेशर, किसी को फैमिली प्रेशर, किसी को पर्सनल प्रेशर, सो ऑल दीज फैक्टर्स ऑन द होल गिव राइज टू। मैम, मैं ये जानना चाहूंगी कि जब भी कोई पेशेंट आता है इनफर्टिलिटी की शिकायत लेकर, तो कौन कौन से टेस्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और किसी भी पेशेंट को ये करानी चाहिए? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो पेशेंट की हिस्ट्री बहुत अच्छे से, कि उनके क्या पीछे से कोई उनको मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं रही, कोई कॉम्प्लिकेशन लाइक डायबिटीज या थायराइड, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं रही, फिर कोई मेजर ऑपरेशन तो नहीं हुआ उनका, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री देते हैं। सेकेंडली ये देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ कितना रहते हैं, क्योंकि आजकल लॉन्ग डिस्टेंस जॉब्स हो गए हैं, पता लगे हस्बैंड महीने में सिर्फ 10 days घर पे होते हैं या 7 days होते हैं, तो फिर प्रेगनेंसी कैसे लगेगी? सो दैट तो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। देन वी डू सर्टन ब्लड टेस्ट अगेन टू रूल आउट एनी शुगर, थायराइड हिस्ट्री, AMH इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, वो हमें बताता है कि पेशेंट का ओवेरियन रिजर्व कितना है, जो उसकी अंडेदानी है उसमें अंडा देने की क्षमता कितना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा ट्रीटमेंट आगे बहुत मैटर करता है। फिर हम करते हैं HSG, हिस्टेरोसल्फिनोग्राम, तो ये हमें बताता है कि पेशेंट की ट्यूब्स ब्लॉक तो नहीं, अगर खुली है तो अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करेंगे, अगर ब्लॉक है तो पेशेंट को IVF सजेस्ट। देन वी आर डूइंग हिस्टेरोस्कोपी आल्सो दीस डेज, व्हिच वी इंसर्ट इन द यूट्रस, इट इज अ कैमरा एंड वी गेट टू नो द स्टेट ऑफ द यूट्रस ऑफ द पेशेंट, क्योंकि कई बार ये एक झिल्ली होती है या सेप्टम होता है यूट्रस में, तो भी पेशेंट कंसीव नहीं है। एंड मैम, जैसे आपने बात की अभी ट्रीटमेंट्स की, तो कौन कौन से ऐसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जो किसी भी पेशेंट को पता लग जाएगा कि हाँ, अगर ये कराते हैं तो इससे हो सकता है, चांसेस बढ़ जाते हैं? सो देयर इज अ स्टेप वाइज अप्रोच टू द ट्रीटमेंट, तो अगर पेशेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है तो हम कोशिश करते हैं 3 months तक उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दें और उनको मेडिसिन पे डालते हैं, तो कई पेशेंट्स अपने आप नेचुरली कंसीव कर जाते हैं। अगर ये नहीं हो पा रहा है, फिर हम उनको असिस्टेड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं।
तो इट कैन बी IUI, IVF और ICSI. सो डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स कंडीशन, IUI इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर. उसमें हस्बैंड का सीमन लेके एंड व्हेन द एग इज राइट तो हम सीमन इंजेक्ट करते हैं. एंड देन अदरवाइज वी गो फॉर टेस्ट ट्यूब प्रोसीजर्स व्हिच कैन बी आइदर IVF और ICSI और लेजर असिस्टेड. मैम जैसे आपने बात की टेस्ट ट्यूब की, तो आज के टाइम में टेस्ट ट्यूब बहुत ही ज़्यादा सुनने में आता है. ऐसा लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं इस चीज़ के लिए, तो इस बारे में आप कुछ बताएं. देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनफर्टिलिटी इज ऑन द राइज, ठीक है. आजकल एवरी सेवेंथ पर्सन इज इन्फेक्टेड, तो इसीलिए टेस्ट ट्यूब आपको बहुत सुनने में आता है क्योंकि अपने आप नेचुरल नहीं हो रहे हैं. That is the reason. और एक हमारे lifestyle modification is another reason. Then increasing age. आजकल लोग बाग नहीं शादी करना चाहते, कर रहे हैं तो late marriages कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको बच्चे नहीं चाहिए. After 35 years of age, they realize कि okay, let us start a family. Then it becomes too late and difficult. जैसे मैम आपने बताया कि इस time like 7 में से एक को ये problem हो रही है, that means कि ये आने वाले time में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाए. तो हमारा जो यूथ है उसके वो कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो वो करके इस चीज में हेल्प उनको मिल सकती है? देखिए सबसे पहले स्ट्रेस अपना कम रखें, उसके लिए एक्सरसाइज, योगा, ये सब चीज़ें, मेंटल मेडिटेशन, ये सब करेंगे तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी. सेकेंडली डाइटरी मॉडिफिकेशन, हेल्दी खाना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, ठीक है. उसमें भी जिसमें कोएंजाइम क्यू होता है, लाइकोपीन होता है, जैसे टमेटोज हो गए, एवोकाडोज हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, तो ये सब ज़्यादा उनको डेली खाना चाहिए, वॉलनट्स हो गए, तो ये उनको हेल्प करेंगे. ओके, एंड जैसा आपने बताया कि डाइट तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साथ ही अगर एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है उतनी ही या फिर इट्स नॉट? नो, इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट. डाइट और एक्सरसाइज वो हैंड इन हैंड, तो वो साथ के साथ चलेंगे. अगर कोई ओवरवेट होगा या कोई फॉर दैट मैटर अंडरवेट भी होगा तो उनको प्रॉब्लम्स आएंगे कंसीव. एंड मैम जैसे हम बात कर रहे हैं कि आजकल स्ट्रेस, डाइट बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा भी है कि ये बाय बर्थ भी हो सकता है या फिर ये बचपन से भी हो सकता है या फिर ये टाइम टू टाइम ही? कई डिसऑर्डर्स होते हैं जो बाय बर्थ भी हो सकते हैं. जैसे जो यूट्रस है वो नॉर्मल शेप की ना हो, वो दो में डिवाइडेड हो या बहुत छोटी यूट्रस हो, तो वो बाय बर्थ होते हैं. या फिर मेल में जिनमें स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जिनकी टेस्टिस है ही नहीं या है भी तो बहुत छोटी है या फंक्शनल नहीं है, तो ये बाय बर्थ डिसऑर्डर्स होते हैं. या आजकल DNA कोई उनको प्रॉब्लम हो, जैसे एक्सेस वाइव क्लाइनफेल्टर्स कहते हैं, तो वो देखने में मेल होते हैं पर वो स्पर्म्स नहीं प्रोड्यूस कर पाते, तो ये सब हम लोग टेस्टों द्वारा पता लगाते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम. ओके, तो ये प्रॉब्लम दोनों तरह से हो सकती है? दोनों तरह से हो सकती है, अक्वायर्ड भी हो सकती है और बाय बर्थ भी हो सकती है. ओके मैम, जैसे आपने बात की अभी मैन इनफर्टिलिटी की भी, तो मैं जानना चाहूंगी कि मैन इनफर्टिलिटी और वुमेन इनफर्टिलिटी कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है? तो मेल में भी बहुत ज्यादा कॉजेज होते हैं, हम लोग फीमेल्स पे ज्यादा स्ट्रेस करते हैं पर ऐसा नहीं है. मेल्स को भी अपना सारा चेकअप कराना चाहिए, अगर उनका स्पर्म काउंट ठीक नहीं है, स्पर्म काउंट ठीक है तो मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है या स्पर्म में कोई DNA अब्नॉर्मैलिटीज है, तो ये सब उनको देखना पड़ेगा. फिर सेकेंडली हम देखते हैं कि मेल का नेचर ऑफ जॉब क्या है. अगर इफ दे आर एक्सपोज टू लॉट ऑफ रेडिएशन या हाई टेम्परेचर में वो काम कर रहे हैं या बहुत एक्सेसिव स्मोकिंग कर रहे हैं या अल्कोहल कंजम्पशन है, तो भी फिर उनको बेबी नहीं हो पाए. ओके, एंड जितना ये फीमेल में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, क्या ये मेल में भी उतनी ही है? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए अगर हमारे पास 100 पेशेंट्स आते हैं इनफर्टिलिटी के, तो इन 33 मेल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, इन 33 फीमेल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल एंड इन द नेक्स्ट 34% अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी इज देयर. बोथ मेल एंड फीमेल आर नॉर्मल एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू कंसीव. Being a woman, आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे, तो आप चाहे मेन इनफर्टिलिटी की बात हो चाहे वुमेन इनफर्टिलिटी की बात हो, तो आप अपने पेशेंट्स को किस तरह से हैंडल करते हैं? क्या वो बहुत ज़्यादा इमोशनल रहता है या फिर आप सब प्रैक्टिकल देखते हैं, किस तरह से वो आप? देखिए यही काउंसलिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है. कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, ठीक है ट्रीटमेंट तो हमें करना है पर उससे पहले हमें पेशेंट की काउंसलिंग बहुत जरूरी है.
ठीक है, क्योंकि जो पेशेंट आता है वो बेचारे वैसे ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस स्टेट में हमारे पास आते हैं, फिर हमारे पास आके उनको देखिए फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, इमोशनल स्ट्रेस भी बढ़ जाता है और फिजिकल स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, क्योंकि वी आर डूइंग वेरियस प्रोसीजर्स ऑन देम, फिर हम उनको तरह तरह की दवाइयाँ दे रहे हैं, उनके टेस्ट करवा रहे हैं, तो मेंटल काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस दीज केसेस। एंड आई हैव सीन कि जैसे इन लॉज आ जाती है, मदर इन लॉ आ जाएंगी, भाई हमारी बहू में प्रॉब्लम है, इसको बच्चा नहीं हो पा रहा, सेकेंड मैरिज करानी है, डिवोर्स कराना है, तो पता लगा कि जी आपके तो बेटे में ही प्रॉब्लम है। सो आई हैव बीन एबल टू सेव लॉट ऑफ मैरिजेस बाय गिविंग देम द ट्रीटमेंट एंड द जॉय ऑफ अ चाइल्ड। इट्स रियली नाइस एंड दैट्स सो लाइक हार्टफुल थिंग टू डू फॉर एनीवन। एंड मैम आपने तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस रहे हैं, सो आपको कभी ऐसा कुछ फील हुआ है किसी पेशेंट ने, मतलब कोई ऐसा बहुत ही डिफरेंट केस रहा हो? ऐसे तो बहुत केसेस हैं और मेरे को तो ऐसे ध्यान नहीं आ रहे। यहाँ पर एक केस था, 52 ईयर ओल्ड लेडी और उनकी शादी को 26-27 ईयर्स हो गए थे और उनको बेबी नहीं हो पा रहा था और उन्होंने IVF रिपीटेड साइकिल्स कराए थे, वो मेरे पास आए एंड बाय गॉड्स ग्रेस उनको फर्स्ट साइकिल में IVF हुआ और उनका बेटा भी 7-8 ईयर्स का है। मैम जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे आपने बोला कि फाइनेंशियल स्ट्रेस ही रहता है, सो जब ये प्रॉब्लम आती है तो बहुत से क्वेश्चन आते हैं माइंड में कि कितना खर्चा होगा, क्या कॉस्ट रहेगा, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि क्या कॉस्ट रहता है और किस तरह से हैंडल करना होता है? देखिए ब्लड टेस्ट वगैरह जितने भी टेस्ट मान के चले तो मुझे लगता है 10-15,000 में सारे टेस्ट हो जाते हैं, और अगर IVF का हम मान के चलिए माय सेंटर इट कम्स आउट टू बी 1.25 लाख ऑन दी होल सब कुछ मिला के, बट देयर वेरियस सेंटर्स जो 3 लाख तक के जहाँ। एंड मैम कितनी प्रोबेबिलिटी रहती है कि अगर कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं तो बेबी कंसीव कर लेंगे? दैट डिपेंड्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड 33% है जो सक्सेस रेट है। In my center, I have 60-70% success rate, and it is very individual, depending case by case. So I explain to my patient ki aapke andar 30%, 40%, 50% chance hai baby lagne ka, then they can decide for themselves. Okay. And mam, koi aise risk hai associated with infertility treatment jo ek patient ko pata honi chahiye? Sabse bada risk hai failure to implantation. IVF आपका फेल हो जाए, दैट इज नंबर 1 रिस्क, वो बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि पेशेंट्स बहुत शैटर्ड हो जाते हैं नेगेटिव इफेक्ट के। सेकेंडली देयर कुड बी एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, की प्रेगनेंसी यूट्रस बना लग के और ट्यूब में चली जाए, सो दैट इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। थर्डली कई बार प्रेगनेंसी इंड्यूस जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया, तो दीज आर द साइड इफेक्ट्स। ओके, एंड अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम वो फेस करते हैं तो क्या उसके लिए, उस हीलिंग के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं? एवरीथिंग इज ट्रीटेबल, वी कैन हैंडल ऑल दी कॉम्प्लिकेशंस एंड साइड इफेक्ट्स वेरी इजीली, तो पेशेंट को कोई घबराने की जरूरत नहीं। ओके मैम, मुझे लगता है कि आज बहुत सारी अवेयरनेस हमारे ऑडियंस को मिली होगी, एंड साथ ही मैं चाहूंगी टू कंक्लूड दिस इंटरव्यू कि आप कुछ एडवाइस दीजिए जो कंसीव करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे हैं, या फिर जो हमारा यूथ है वो जितना irresponsible हो रहा है अपनी हेल्थ को लेकर। So I would like to advise कि follow a healthy lifestyle. मैं interview के first से ही मैं I'm stressing about lifestyle. So do exercises, go for your run, go for your yoga sessions, follow a dietary healthy lifestyle, and avoid smoking and alcohol consumption and drugs most of all. And thank you so much for your time, and thank you so much for this interview. Thank you so much.